आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। सिक्किम में जारी दोनों देशों के तनाव के बीच चीन ने आरोप लगाया कि भारत सियासी फायदा उठाने के लिए सिक्किम के डोकलाम में घुसपैठ कर रहा है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम भारत से मांग करते हैं कि वो सिक्किम से अपनी फौज हटाए ताकि वहाँ तनाव ज्यादा ना बढ़े। सिक्किम में जारी तनाव के बीच चीन के स्टेट मीडिया ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ने लिखा है कि सिक्किम में दोनों देशों के बीच तनाव यलेसी पर आमने सामने की जंग में तब्दील हो सकती है। विवाद सिक्किम में भारत भूटान और चीन को जोड़ने वाले इलाके को लेकर है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। वहीं स्मृति ईरानी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शहरी विकास मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव में बतौर एनडीए कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इससे पहले वेंकैया नायडू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वेंकैया के पास आईबी और अर्बन डेवलपमेंट जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। मुंबई धमाकों के आरोपी याकूब मेमन की फांसी न दिए जाने का समर्थन करने पर यूपीए के उपराष्ट्रपति चुनाव के कैंडिडेट गोपाल कृष्ण गांधी ने सफाई दी है। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा है कि मौत की सजा दिया जाना मध्यकालीन और गलत है। मैंने महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर मेमन की दया याचिका का समर्थन किया था। मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। वे सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाने से नाराज थीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं सदन में दलितों के हितों की बात नहीं उठा सकती उन्होंने कहा था कि अगर मैं सदन में दलितों के हितों की बात नहीं उठा सकती तो मेरे राज्यसभा में रहने पर लानत है। गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, केरल और उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में बारिश बाढ़ से जुड़े हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। यूपी में गंगा और घाघरा समेत कई बड़ी नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य के खास झंडे के लिए कवायद शुरू की है। सीएम सिद्धरमैया ने इसके लिए 9 मेंबर्स की कमेटी बनाई है जो झंडे के डिजाइन और इसके कानूनी पक्ष तय करेगी। मीडिया में खबरें आने के बाद बीजेपी शिवसेना ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने एलओसी के कई सेक्टर्स पर फायरिंग की और मोर्टार दागे। इस दौरान नौशेरा सेक्टर में 2 प्राइवेट स्कूलों के 50 बच्चे फंस गए। नौशेरा के अलावा पुंछ और राजौरी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया। इस फायरिंग में नौगाम में एक जवान शहीद हो गया। अमेरिका ने कहा कि विश्व की महाशक्तियों के साथ किए गए परमाणु समझौते का ईरान पालन कर रहा है, हालांकि उसकी गतिविधियां अब भी खतरनाक लग रही हैं। बता दें कि दुनिया की महाशक्तियों और ईरान के बीच हुए समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खराब सौदा करार दिया था। बीसीसीआई की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भरत अरुण को टीम इंडिया का नया बॉलिंग कोच अपॉइंट किया है। वहीं आर श्रीधर को फील्डिंग कोच बनाया गया है। इससे पहले क्रिकेट टीम की एडवाइजरी कमेटी ने राहुल द्रविड़ को विदेशी दौरों के लिए टीम इंडिया का बैटिंग कोच और जहीर खान को बॉलिंग कोच नियुक्त किया था।